हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल। गुड मॉर्निंग। ये देखिए आज मैं आपको कहाँ घुमाने लेके जाती हूँ। ये है जबलपुर में ही है, ये पाट बाबा मंदिर है, फैक्ट्री एरिया में पड़ता है ये। आप अगर जबलपुर के हैं या फिर जबलपुर में आ रहे हैं घूमने तो यहाँ ज़रूर जाइए। काफ़ी अच्छा मंदिर है ये पाट बाबा मंदिर, बहुत प्रसिद्ध मंदिर है। तो ये देखिए फर्स्ट गेट पड़ता है, ये GCF में पड़ता है, मतलब फैक्ट्री एरिया है GCF में, तो वहीं पर पड़ता है ये। फर्स्ट गेट पड़ा हुआ है और यहाँ से ये पूरा रोड है और पूरा जंगल है, मतलब जंगल भी नहीं बोलना चाहिए, लेकिन आप देख सकते हैं। ये देखिए हिरन यहाँ से क्रॉस हुई है, देखा आपने। और ये रोड है पूरा, मतलब काफ़ी अच्छा है यहाँ का जो माहौल है, बहुत अच्छा लगता है और यहाँ पर जाने में और थोड़ा सा बारिश में जाने में भी। ये देखिए तो बस ये गाड़ियाँ काफ़ी, मतलब यहाँ पर रेगुलर वैसी गाड़ियाँ नहीं चल सकती हैं, आप अपने साधन से जा सकते हैं। तो ये दो रोड हैं, तो यहाँ से आप फैक्ट्री जाएंगे और ये सामने गेट दिख रहा है आपको, ये मंदिर के लिए जाएगा। और मंदिर थोड़ा सा चढ़ाई पर पड़ता है, मतलब काफ़ी ऊँचाई है। तो ये रोड बना हुआ है, गाड़ी वगैरह आराम से चली जाती हैं। और यहाँ देखिए कितना अच्छा लग रहा है ना, मतलब जो भी हरा भरा पूरा ग्रीनी, काफ़ी अच्छा लग रहा है। आप पैदल भी जा सकते हैं, देखिए कई लोग पैदल भी जा रहे हैं, तो काफ़ी अच्छा है, आप लोग जाइए ज़रूर। और अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा, और मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ये देखिए तो बस हम लोग मंदिर पहुँचने ही वाले हैं, और ये पहुंच गए हैं हम ऊपर, जो मेन चढ़ाई पड़ती है वो हमने क्रॉस कर लिया है, बस ये मंदिर पहुंचने में। ये देखिए यहाँ पर ऑटो वगैरह जो खड़े हुए हैं, तो यहाँ पर जो रिजर्व करके आते वही ऑटो आते, ऐसे चलते नहीं हैं कि रेगुलर आपको मिल जाएंगे साधन। और यहाँ पर पार्किंग एरिया बना हुआ है, ये यहाँ पर आप गाड़ियाँ पार्क कर सकते हैं। ये सेकेंड गेट पड़ता है यहाँ से अंदर जाने के लिए, ये थर्ड गेट है, सॉरी फर्स्ट पड़ा था सेकंड, ये थर्ड गेट पड़ता है, ये मेन गेट है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं, यहाँ लिखा श्री पाट बाबा मंदिर GCF स्ट्रीट, और ये पूरा पार्किंग एरिया है। और यहाँ पर जैसे मंगलवार शनिवार काफ़ी भीड़ रहती है, यहाँ थोड़ा सा दुकानें लगी हुई हैं प्रसाद वगैरह की, जैसे लड्डू वगैरह आपको मिल जाएगा वहाँ पर, नारियल प्रसाद का भी मिल जाएगा। ये देखिए साइड में यहाँ हनुमान जी का ये फ़ोटो लगी हुई है, मतलब बहुत अच्छा बना हुआ है यहाँ पर। और ये आपको लिखा हुआ सब मिल जाएगा, यहाँ का इतिहास है जो कि कैसे यहाँ पर मंदिर बना है, कैसे क्या कब हुआ है, सब कुछ आपको यहाँ पर लिखा मिल जाएगा। तो ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है, काफ़ी अच्छा। और अब बस हम ये गेट से एंट्री करेंगे, तो बस अंदर जाना है हमें, तो ये गेट से हम एंट्री कर लेते हैं, यहाँ से अंदर जाएंगे हम। तो अंदर काफ़ी अच्छे मंदिर हैं बने हुए हैं, और ये प्रसिद्ध मंदिर है बहुत ज़्यादा ही, मतलब गुरु पूर्णिमा को हनुमान जयंती को काफ़ी भीड़ होती है यहाँ पर, मंगलवार शनिवार सभी टाइम बहुत भीड़ होती है। तो देखिए आप अभी भी कितनी भीड़ हो रखी है, ये गार्डन बना हुआ है और मतलब काफ़ी अच्छा बना हुआ है यहाँ पर, और क्या कहते हैं गार्डन जो बना हुआ है उसका देख रेख हर कुछ अच्छी तरह से किया जाता है, तो काफ़ी अच्छा लगता है यहाँ पर जाकर। और आप जाएंगे तो काफ़ी अच्छा सुकून महसूस होगा आपको, आपको लगेगा कि बस वहाँ बैठे ही रहें, मतलब आने की भी इच्छा नहीं होती, इतना अच्छा वहाँ का माहौल लगता है। और ये देखिए ये सारे फैक्ट्री वाले ही लोग ज़्यादातर जाते हैं, क्योंकि यहाँ फैक्ट्री से पास पड़ता है, तो काफ़ी लोग आ जाते हैं और रेगुलर में भी बहुत भीड़ हो जाती है। तो ये आपको सामने मंदिर दिख रहा होगा, यहाँ ये मंदिर नहीं, ये है हवन जो मतलब यज्ञ होता ना वो बना हुआ है, ये गार्डन है, गार्डन काफ़ी अच्छा बना हुआ। और ये अभी कुछ टाइम पहले ही यहाँ पर इस टाइप का बना हुआ, पहले भी था पर इतना अच्छा नहीं बना हुआ था, अभी कुछ ज़्यादा अच्छा बन गया है, ये बड़े एरिया में बन गया है, और काफ़ी मतलब ये सब टाइल्स वगैरह जो ये पत्थर वगैरह हैं लग गए हैं, तो काफ़ी अच्छा लगने लगा है, नहीं तो पहले फर्श हुआ करता था बस ऐसे नॉर्मल ही। और ये देखिए यहाँ पर मतलब भंडारे, यज्ञ, हवन सभी चीज़ होता रहता है, ये है यज्ञ, मतलब जहाँ पर यज्ञ होता है ना वो बना हुआ है यज्ञ स्थान, ये है मेन पाट बाबा मंदिर। और यहाँ पर भगवान जी की मूर्ति हम नहीं दिखा पाए हैं, क्योंकि काफ़ी अंदर है और यहाँ से अंदर जाने मिल नहीं रहा था, क्योंकि पट बंद हो चुके थे,
और अंधेरा था। ये बाहर गणेश जी की मूर्ति है, तो आप दर्शन कीजिए गणेश जी के भी। ये देखिए, ये दिखी मूर्ति आपको दिख सकती है, ये है मैन मूर्ति पाठ बाबा मंदिर की। जय भगवान जी, आप भी कीजिए दर्शन। ये है मैन मंदिर, आप दर्शन कीजिए, आपकी भी मनोकामना पूरी होगी। और मतलब यहाँ पर जो भी विश मांगो वो पूरी जरूर होती है। यहाँ पर झंडे भी चढ़ते हैं काफ़ी सारे, आप देख सकते हैं। यहाँ पर बाजू पर ही शंकर जी का मंदिर बना हुआ है, ये देख सकते हैं, पाटेश्वर महादेव। तो ये शंकर जी का मंदिर बना हुआ है। अभी ये कोरोना के कारण बंद है, यहाँ अंदर जाने नहीं मिल रहा है ज़्यादा, नहीं तो पूरा अंदर से भी दर्शन होते हैं। ये देखिए, ये हैं पाटेश्वर महादेव, कितनी बड़ी शिवलिंग है ना, आप देख लीजिए, दर्शन कर लीजिए। ये साइड में यहाँ पर मतलब एक साइड को आपको शंकर जी मिलेंगे, दूसरी साइड में दुर्गा जी मिलेंगे। तो ये दुर्गा जी का मंदिर है, आप इनके भी दर्शन कीजिए। देखिए कितनी सुंदर लग रही है माता रानी। तो ये है दुर्गा जी का मंदिर, दर्शन कर लिए। और पहले यहाँ अंदर जाके दर्शन होते थे, बट अभी कोरोना के कारण बाहर से ही होते हैं। यहाँ बट वृक्ष लगा हुआ है और यहाँ नीचे मंदिर भी बना हुआ है, तो आप यहाँ पर भी मंदिर में पूजा कर सकते हैं। ये देखिए अभी बंद है यहाँ पर भी मंदिर, ये देखिए, ये हनुमान जी का ये मंदिर है। तो अभी बाहर से लॉक लगा हुआ है और ये बट वृक्ष। तो ये देखिए कुछ फ़ोटो, ये हवन कुंड की वहाँ की फ़ोटो है, ये कुछ फ़ोटोज़ निकलवा रहे थे भैया हैं हमारे। और चलिए अब चलते हैं घर और फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।